मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। खबरें हैं कि बुधवार शाम को यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक का आयोजन शाम 5 बजे से किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल हो सकते हैं। संभव है कि बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे। यूपीए विधायक दल की बैठक में ईडी द्वारा जारी समन को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग के लिफाफे पर राज्यपाल के हालिया बयान पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं इधर बैठक बुलाए जाने पर बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री जब जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फंसते दिखते हैं तो उन्हें ध्यान भटकाने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की याद आ जाती है। इससे पहले भी 5 सितंबर को उन्होंने सत्र बुलाया था भाजपा पिछड़ों और आदिवासी मूलवासी के लिए गए हर विधि सम्मत निर्णय के साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ऊपर भ्रष्टाचार के मामले से ध्यान भटकाने के लिए गैर विधि सम्मत निर्णय लेते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने सत्र को उस समय बुलाया है जब ईडी ने उन्हें हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन जनता अब इनके नाटक को अच्छे से समझती है। देखिए, राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अनुशंसा की है। वो 11 नवंबर को बुलाने की इन्होंने बात कही है। 10 नवंबर को कैबिनेट होगा। और हमारा एक बड़ा प्रश्न है कि जब मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरते दिखते हैं तो क्यों उन्हें अपने मैनिफेस्टो में की गई बातें तभी याद आती हैं और वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। इससे पहले भी 5 सितंबर को उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया था। और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि आप पिछड़ों के लिए, स्थानीयों के लिए कोई भी विधि सम्मत निर्णय ले तो हम साथ देंगे आपका, लेकिन आप तो गैर विधि सम्मत निर्णय लेते हैं और वो भी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। वो करप्शन के इश्यू से आप जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी आपने सत्र को उस समय बुलाया जब ईडी ने आपको 1000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में समन किया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बार बार जो नाटक है, अब ये जनता समझती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।